अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ैनब कुकिंग किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बंगाली डिश जिसका नाम है रसगुल्ला। जी हाँ, हम रसगुल्ला बनाने वाले हैं जिसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम सारी चीज़ें लेंगे। तो उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही डिलीशियस डिश मैं आपके लिए डेली लाते रहूं। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रसगुल्ला बनाने के लिए हमें छेना बनाना ज़रूरी है। छेना हमें बनाना है दूध का, तो ये फुल गाढ़ा है, भैंस का दूध है, तो ये आपको लेना है। फुल गाढ़ा दूध आपको लेना है एकदम, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया गया, एकदम गाढ़ा दूध है, इससे ही हम छेना बनाएंगे। ये बाद हमें प्रिपरेशन में लेंगे शक्कर एक कटोरी भर, ये हमने दूध पाउडर यानी मिल्क पाउडर लिया है आधा कटोरी भर, इलायची लिया है हमने, और ये लिया कलर फूड सिर्फ दिखने के हिसाब से कि हमें रसगुल्ला जो बनाना है उसमें हमें दिखने के लिए अच्छा उस हिसाब से बनाना है, क्योंकि हम केसर भी ऐड कर सकते थे लेकिन बट केसर अवॉइड कर रहे, केसर हम नहीं ऐड कर रहे इसके अंदर। एक कटोरी अलग से हमें दूध लेना है क्योंकि हम गाढ़ा टेक्सचर भी अलग से मलाई का बनाएंगे, यानी जब हमारा छेना बन जाएगा गोल साइज में तब हम ये दूध गाढ़े इसमें बनाकर इसमें हम ऐड करेंगे। एक और गाढ़ा दूध लिया है हमने, अमूल का है, और ये हमने लिया है विनेगर। जी हाँ, छेना कैसा बनता है विनेगर से ही, क्योंकि जब आप गाढ़े दूध में ये विनेगर ऐड करते हो तब जाके ही वो दूध फट जाता है और तब छेना बनता है। आप इसकी जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एवरीवन, हमने गैस पे तपेली रखी है दूध की, तो और एक साधा एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा भी आप जरूर लीजिए, साफ सुथरा चाहिए, क्योंकि हम छेना जो बनाएंगे, हम जब छेना बनाएंगे तब इसमें हम डालेंगे और अच्छे से। अब हम इसमें ये जो गाढ़ा दूध है वो ऐड करेंगे। दूध हमने गर्म करने के लिए रखा है, इसे पूरा बॉयल नहीं करना है, इसके साइड में थोड़ा गर्म अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हम विनेगर ऐड करेंगे। एवरीवन, आप देख सकते हो दूध बॉयल होने के लिए आ चुका है, इसे पूरी तरह बॉईल नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर हमें 2 चम्मच ऐड करना है, सिर्फ 2 चम्मच, उसकी जगह आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, ये विनेगर हम अभी ऐड करेंगे 2 चम्मच, क्योंकि हमने विनेगर ऐड किया था। तो ये देखिए दूध कैसा फट चुका है, देखिए इसका छेना निकालना है हमें। इसी तरह से हमने बॉयल नहीं किया है दूध को ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा गर्म किया है और उसमें हमने विनेगर ऐड किया है। आप नींबू भी ऐड कर सकते हो इसकी जगह, देखिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से दूध फट गया है इसके अंदर से और ये सब छेना निकल चुका है। अभी इसे हम छानेंगे। अभी हमने एक साफ कपड़ा लिया है और इसमें हम छानेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से आप छानिए। ये आप देख सकते हो, ये हमने छेना निकाला है साफ कपड़े में। अब हम इसे मिक्स ऐसा दबा कर पूरा, आप देख सकते हो इसे बिल्कुल अच्छे से दबा कर, इस पर एक वजन चीज़ रखना है, देखिए पानी पूरा निकल चुका है। एवरीवन, आप देख सकते हो हमने छेना इस तरह से निकाला, अभी भी ये हुआ नहीं है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे ऊपर से, क्योंकि हमने विनेगर ऐड किया था। विनेगर ऐड करने से जो खटास होती है वो निकल जाएंगी, इससे पानी ऐड करके इसे फिर से निचोड़ना है। एवरीवन, आप देख सकते हो हमें इस तरह से पूरा छेने को जो खटास होती है वो निकालना है दबा दबा कर। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन करेंगे, हमें चाचनी बनानी है। चाचनी बनाने के लिए हमें शक्कर की भी ज़रूरत थी जो हमने लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हमने पानी ऐड किया है इसमें गर्म करने के लिए। अब हम इसमें शक्कर भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी इलायची जो हमने निकाली थी, इलायची को हम डालेंगे, सिर्फ खुशबू के लिए इलायची की ज़रूरत है इसमें, हमें इलायची के छिलके चाहिए वो ऐड करेंगे हम उसमें। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसे स्लो आँच पर रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छा पकने देंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे ऐसा हिलाएंगे ताकि ये जो शक्कर है, शुगर है, अच्छे से मिक्स हो जाए और जल नहीं पाए नीचे से। इसे हिलाते रहना है, हमें ज़्यादा गाढ़ी चाचनी नहीं बनानी है, तो चाचनी के लिए थोड़ा पतला रखना है, हिला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है इसे, तब तक ये पकते रहेगा। हम थर्ड प्रिपरेशन करेंगे, जो हमने छेना लिया था उसे किस तरह से मिक्स करके उसके गोले बनाएंगे आप देखिए ज़रूर। देख सकते हो छेने को 5 मिनट हो गया है सूख कर, देखिए इस तरह से छेना होना चाहिए सूख का। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो अरारोट था उस टाइम पे, जो मैंने आपको बताया था कि अरारोट जो इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को फ्राई करने के लिए, चाइनीज़ वैरायटीज़ के अंदर अरारोट की ज़्यादा मात्रा होती है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा अरारोट ऐड करके इसे अच्छे से गून लेंगे, अच्छे से गून लेंगे। मैं गून कर आपको बताती हूँ, ये आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से स्मैश करना है हमें। अभी आप देख सकते हो छेने को हमने अच्छे से गून लिया है, अच्छे से एकदम मिक्स कर लिया है, बिल्कुल क्रैक नहीं पड़ेगा ये, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इसे, आपको भी इसी तरह से मिक्स करना। अब एक एक करके हम इसकी लुइया यानी बॉल्स होते हैं छोटे छोटे साइज में बनाना है,
वो भी सेम इस तरह से। देखिए आप इस तरह से लीजिए हाथ में, इस तरह से हाथ में लीजिए। अगर आपको इसको थोड़े चपटे बनाना है ताकि उस हिसाब से बन सकते, या गोल स्टेप में भी आप बना सकते हो, तो आज हम थोड़े से चपटे रखना है, ज़्यादा चपटे नहीं, थोड़े से, ताकि ये फुल कर मोटे होने वाले, ये फुल कर है ना बहुत बड़े बड़े साइज़ में बनेंगे, तो इसी शेप में हम करेंगे। चलिए एवरीवन, ये बॉल्स हमने अच्छे से बनाकर इसे थोड़ा सा चपटा साइज़ में बनाया है ताकि ये स्पंजी बने और बहुत बेहतरीन बनेगा। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली वालों में अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो ये बहुत ही कम मात्रा की चीज़ों में, इंग्रेडिएंट्स में आप बना सकते हो। देख सकते हो जो छाछनी हमने शक्कर ऐड किया था, शुगर ऐड किया था, वो कैसी हुई है देखिए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली चाहिए, तो इसी स्टेप में हम अभी इसमें ऐड करेंगे ये जो बॉल्स है, एक एक करके ये ऐड करेंगे ताकि ये पूरा जो टेक्सचर है शुगर का, इसके अंदर घुलकर अच्छे से ये बॉयल होके पके और बहुत बड़े बड़े साइज में हो जाएंगे। अभी देख सकते हो आप एवरीवन, मैंने सारा ऐड किया है और इसे अच्छे से बॉयल होने के लिए हम फास्ट करेंगे गैस को, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से फूलकर बाहर मोटे मोटे आ जाए। इसे इस तरह से बॉयल के लिए हम रखेंगे जब तक ये सारा जो शुगर है, जो सिरप है, वो अच्छे से छेना के अंदर मिक्स हो जाए और बहुत बड़े बड़े साइज में ये बनेंगे। तो इसे बॉयल करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट हम रखेंगे। ये आप देख सकते हो एवरीवन, इसका साइज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इसे और बॉयल करेंगे हम, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टूटेंगे नहीं है, अच्छे से ये बॉयल होने दीजिए इसे। वन आप देख सकते हो 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है इसे। अब हम इसे निकालेंगे और थर्ड प्रिपरेशन करेंगे, जो है मलाईदार हम बनाएंगे दूध का, और उसमें ये छेना पूरा ऐड करेंगे। वन ये फाइनल हमारा स्टेप है, इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, गाढ़ा मिल्क, और इसे अच्छे से बॉयल होने तक का पकाएंगे। एवरीवन आप देख सकते हो दूध अच्छे से पक चुका है, अच्छे से इसे और अच्छे से पकाना है, फिर हम ऐड करेंगे इसमें मिल्क पाउडर। दूध अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मिल्क पाउडर। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, 10 रुपये का पैकेट है, आप 2 पैकेट इसमें ऐड कर सकते हो मिल्क पाउडर। हमें मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद ये काफ़ी क्रीमी हो जाएगा, तो इसे अच्छे से हिलाइए ताकि इसके अंदर के जो लम्स हैं वो दिख नहीं पाए, अच्छे से इसे मिक्स करना है हमें। अभी आप सोच रहे होंगे हमने शुगर क्यों नहीं ऐड किया है, तो ऑलरेडी आपको बताना चाहती हूँ कि मिल्क पाउडर में ऑलरेडी छेना बनाया है, वो शक्कर के अंदर अच्छे से मिक्स है, तो बेफिक्र रहिए आप, अच्छा ही और मीठा होगा। दूध अच्छे से पकते हुए जा रहा है और हम इसमें थोड़ा सा, सिर्फ हल्का सा हम डालेंगे इसमें फूड कलर, ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा दिखे। दूध का कलर काफ़ी डिफरेंट हो गया है, आप इसमें अगर फूड कलर नहीं ऐड कर सकते हो तो कोई बात नहीं, केसर भी ऐड करके हाँ आप इसमें ऐड कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फाइनल हो गया है हमारा स्टेप, अब हम जो सारा प्रिपरेशन जो हमने छेना बनाया था रसगुल्ले वाला, वो हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा सिरप भी ऐड करेंगे साथ ही साथ। देख सकते हो एवरीवन, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो मलाई भी साइड में एकदम चिपक गई है और ये अभी इसी स्टेप में पक चुका है। इसमें ज़रा भी मिठास आप अलग से ऐड मत करिए, पूरा प्रिपरेशन हमारा हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एवरीवन, ताकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, और ऐसे ही आप डिलीशियस डिश बनाते रहिए और मुझसे कुछ सीखते रहिए। आपके घर में अगर फैमिली आएंगी तो आप ज़रूर ये डिश ज़रूर बनाने के लिए ट्राई करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपने ये ट्राई किया है या नहीं। फाइनली एवरीवन, हमारा ये छेना वाला रसगुल्ला रेडी हो चुका है, बिल्कुल बंगाली डिश है ये, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, अपने फैमिली वालों के रेसिपी ज़रूर शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन।